क्यों अमर सिंह को वोट देना चाहेंगे आप? सब तो वधिया गल है ये भी उन्हों का सच्चाई ईमानदारी और नाल खड़ना दृढ़ता दे नाल आम इंसान को यही चीज़ चाहिए है। सब तो वड्डी गल हम सभी लकी हैं कि हमारे जो एरिया के जो पहले एमपी थे डॉक्टर साहब थे अमर सिंह जी और अभी भी अमर सिंह जी हैं। तो अभी अगला इलेक्शन भी अमर सिंह जी लड़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा, ये हमारी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है कि अमर सिंह जी लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अमर सिंह जी ने श्री फतेहगढ़ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हुए वहाँ संसद में बहुत ही क्वेश्चन पूछे हैं और उनकी हाजिरी भी 100% रही है। साथ बदलेगा हालात, जो हालात बदलने के लिए लोग कहते हैं, शायद जो इनको बीजेपी के हालात अच्छे नहीं लगे 10 साल की टेंडर में जो काम अच्छे नहीं हुए, जो खफा है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको तो ये मौका है। कांग्रेस का जो कैडर है वो तो वोट डालेगा ही। अब ये नारा कितना काम करता है तो 4 तारीख को पता लगेगा। शहर की तरक्की और हमारे हलके की, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने कही है कि फतेहगढ़ साहब को एक टूरिज़्म बनाएंगे वो, और फतेहगढ़ साहब एक ऐसी हब जैसे अमृतसर है वैसे ही फतेहगढ़ साहब में भी मतलब एक टूरिज़्म प्लेस बने, ता जो कि फतेहगढ़ साहब की जो धरती पवित्र धरती है, जो सबसे बड़ी शहादतों की धरती है, वो दुनिया में उसका नाम हो और विदेशों से लोग आकर वहाँ पर नतमस्तक हों। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा फतेहगढ़ लोकसभा हलके से हमारे MP डॉक्टर अमर सिंह दोबारा से MP बने, जो कि एक पढ़े लिखे हैं, सूझबान हैं और इंटेलिजेंसी की तो कोई कमी नहीं है उनके पास में। सर, अमर सिंह ने जो यहाँ विकास किया है, हमारे शहर का विकास किया है, हमारे एक फोकल पॉइंट था उसका, वो 30 साल से वहाँ बिजनेसमैन है, उनका फोकल पॉइंट था। फोकल पॉइंट में इतना बदतर हाल था, उसको इन्होंने बहुत सुंदर बना दिया। एक हमारे संद के पास अम्बे माजरा है, वहाँ इन्होंने पुल बनवाया, पुल के ऊपर 22 करोड़ रुपये लगाया। वहाँ ट्रैफिक जाम बहुत होता था, क्योंकि जो इनका काम कराने का तरीका है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का यहाँ नुहार बदला, गाड़ी चलवाई, यहाँ लिफ्ट लगवाया, और यहाँ मैनेजमेंट का स्कूल है, स्कूल में यहाँ 90 लाख रुपये दिया, वहाँ का काम करवाया। इन्होंने जो है इनका काम करवाने का तजर्बा है, FCA में CMD रहे दिल्ली, और उसके बाद इन्होंने जो भी है वहाँ दिल्ली में काम करवाने का इनका तरीका बहुत अच्छा है और इनको काम कराने का नॉलेज है। नमस्कार, मैं राजेश गौतम, आप देख रहे हैं सिटी होम न्यूज़। मेरे साथ सिटी होम न्यूज़ के संपादक राजेश मेहरा जी हैं। आज ये खन्ना पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। खन्ना साहब, किस तरीके से देखते हैं इस बार फतेहगढ़ साहब सीट को? आज असी खन्ना पहुँच के उन्होंने मुख्य दफ्तर पहुँचे हैं। की माहौल है दफ्तर का, की जेड़े कार्यकर्ता है, जेड़े सपोर्टर है, उन्होंने दिल च की है, किन्ना कु उत्साह है, क्योंकि हुणे ही एक दिन पहला प्रियंका गांधी की रैली होकर हटी है, बहुत ज़्यादा सफल रैली गई है, वो वास्ते भी वर्करां का बड़ा मोराल जोड़ा है बहुत उच्चा है। लेकिन पहला मैं कैमरामैन को कहूँगा, पहले एक दफ्तर की झलक बना दी है, देखो बहुत सारा लिखा हुआ, सेवा विकास ईमानदारी, लोकसभा उम्मीदवार श्री फतेहगढ़ साहिब डॉक्टर अमर सिंह। EVM मशीन का बोर्ड भी दिखाता, कितने बोर्ड पानी है, साइन दिखाता। मेरा ख्याल है एक नंबर अमर सिंह जी का है, और जगह जगह बोर्ड भी लग गया, लोगों को दसाया गया भी एक नंबर से तुम बटन दबाना। पर कि लोगों ने यह मन बना लिया वैसे एक नंबर से बनाना, क्योंकि ये पहला बिल्कुल, बिल्कुल हम इनसे ही बात कर लेते हैं कि एक नंबर बटन को क्यों दबाएंगे। यहाँ पे इनके ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो ऑफिस के कर्मचारी हैं जो मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग आम लोग भी ऑफिस के अंदर आ गए। क्यों अमर सिंह को वोट देना चाहेंगे आप? सब तो वधिया गल है ये भी उन्हों का सच्चाई ईमानदारी और नाल खड़ना दृढ़ता दे नाल आम इंसान को यही चीज़ चाहिए है। सब तो वड्डी गल जी बिल्कुल, मेरा साहब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब सच्चाई ईमानदारी के ऊपर चलते हैं, तो कितना सच मानते हैं आप? देखिए, अगर इनका 5 साल का जो टेन्योर रहा है वो तकरीबन फतेहगढ़ साहब में हमने सर्वे किया है जी, जो उन्होंने लिखा है वो ईमानदारी की तो लोग सब लोग दुहाई देते हैं। सिर्फ एक कमी थी जिसका हमने सर्वे किया, चाहे इनकी वीकनेस समझिए, चाहे इनका टाइम मैनेजमेंट, चाहे टाइम पर नहीं पहुँच सके, क्या है, लेकिन इनका दावा है ईमानदारी है, लेकिन थोड़ा सा इनके जो कमी रही है जो लोगों के मन में है, शायद वो आज दूर कर दी इन्होंने, वो थी भी प्रॉपर हर गांव में जहां लोगों को मिल नहीं पाए, थोड़ा सा गिला जरूर है, लेकिन अभी उन्होंने गिला शिकवा दूर कर दिया। हम भी गए हैं कि आगे वाले टर्न में जब आप जिताओगे तो ये भी सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक ही बात कहते हैं कि हम विधानसभा में जो आपका समय कम लिया है वो हमने लोकसभा में
सबसे ज़्यादा आपकी समस्याओं का, आपके हलके का प्रश्न उठा के वहाँ समय हमने दिया है, उस समय को उसमें कंपेयर मत करिए, क्योंकि समस्याएं जो हल होनी है वो लोकसभा में होनी है। जी बिल्कुल, मेहरा साहब जो बात कह रहे हैं कि लोगों की शिकायत रही है कि जो सांसद थे डॉक्टर साहब और हैं मौके के, वो हर गांव में नहीं पहुंच पाए। सांसद का काम नहीं कि हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में पहुंचे। सांसद का काम होता है कि अपने जो लोकसभा का एरिया वो संसद में उठाए, अपने एरिया की प्रॉब्लम उठाए संसद में, तो कुछ यहाँ पे लोग हैं इनसे बात करते। सर किस तरीके से देखते हैं इस बार जो है डॉक्टर साहब का इलेक्शन? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो डॉक्टर अमर सिंह हैं, हम सभी लकी हैं कि हमारे जो एरिया के जो पहले एमपी थे डॉक्टर साहब थे अमर सिंह जी, और अब भी वो अभी भी अमर सिंह जी हैं। तो अभी अगला इलेक्शन भी अमर सिंह जी लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा, ये हमारी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है कि अमर सिंह जी लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अमर सिंह जी ने फतेहगढ़ साहब, श्री फतेहगढ़ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हुए वहाँ संसद में बहुत ही क्वेश्चन पूछे हैं और उनकी हाजिरी भी 100% रही है। तो हम तो बड़ी हमारे वर्करों में बहुत उत्साह है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के वो अमर सिंह जी हैं, हम सब में बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब को कितना जानते हो आप कांग्रेस पार्टी के वर्कर हो जी, कितना जानते हो डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब ने जो जानते हैं, उन्होंने पहला MBBS की, डॉक्टर रहे, समराला विखे भी उन्होंने ड्यूटी की आ, उस तो बाद उन्होंने सपना से भी IAS बने, कई थावां ते वो DC रहे, वो तो बाद हर सरकार में सेक्रेटरी रहे, वहाँ पे काम किया। उनको जो हमारा कैंडिडेट है डॉक्टर अमर सिंह, जितने भी कैंडिडेट लोकसभा फतेहगढ़ में खड़े हैं उनसे सबसे अच्छा और पढ़े लिखे, सबसे इतने पढ़े लिखे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसलिए कहते हैं भी लोगों की जो पसंद है, ईमानदार हैं, सच्चे बंदे हैं, इनके ईमानदारी के ऊपर लोग हैं जो भी अच्छे हैं, सुभाव के भी बहुत अच्छे हैं, लोगों के दुख सुख में भी आते रहे हैं। हम इसलिए अपील करेंगे भी सारे से जो अच्छे उम्मीदवार हैं डॉक्टर अमर सिंह को ही वोट डालें। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और सेवाएं उन्होंने मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार में दिए। मेरा साहब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर रहे हैं, फिर IAS ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने सेवाएँ मध्य प्रदेश में दी है एंड इसके बाद भारत सरकार में दी है, उच्च पद पर रह करके इन्होंने सेवाएँ दी है और भारत सरकार में कई स्कीम भी बनाए और CMD भी रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ और कंपेनिंग बहुत पीक पे है, आप फतेहगढ़ साहब को किस नज़रिए से देखते हैं? फतेहगढ़ साहब की बात करें तो फतेहगढ़ साहब में जो इन्होंने 5 साल वर्क किया है ना, उस पर मोड़ डालेंगे। ये नहीं है क्योंकि आज इनका जो कांग्रेस पार्टी का जो नारा है ना, हाथ बदलेगा हालात, ये बहुत बड़ा नारा है क्योंकि लोग बदलाव तो चाहते हैं। पंजाब में जैसे आपने देखा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, क्या नारा था? हालात बदलने का। लोगों ने बदलाव किया, पहलियाँ जो पार्टी थी, चाहे कांग्रेस थी चाहे अकाली दल थी, उन्होंने बदल दिया। आज भी ये राहुल गांधी का कहना है हाथ बदलेगा हालात, जो हालात बदलने के लिए लोग कहते हैं, शायद जो इनको BJP के हालात अच्छे नहीं लगे 10 साल की टेंडर में, जो काम अच्छे नहीं हुए, जो खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको तो ये मौका है। कांग्रेस का जो कैडर है वो तो वोट डालेगा ही। अब ये नारा कितना काम करता है ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जो आपने दिग्विजय सिंह की बात की है, जो आपको बता अपना अमर सिंह की बात करिए, दिग्विजय सिंह के साथ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह 10 साल, उनके साथ भी इन्होंने काम किया और ये अच्छा काम किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। छवि इनकी बाकी कैंडिडेट के अलावा बहुत अच्छी है और ख़ास करके सबसे ज़्यादा इनको ये जाता है, ये पढ़े लिखे हैं, ताकि इनको काम कराना आता है, लोकसभा में बात करनी आती है, लोकसभा में लोगों की समस्याओं को रखना आता है, तो जो रखेंगे वही काम कराएंगे। हालांकि ये जो दो अपने जो इलाका है श्री फतेहगढ़ साहब का सरहंद में, जो साहबजादे हैं उनका कहने, सबसे पहले मैंने पटल पे रखा था ये मुद्दा, ताकि उनको उनका मान सम्मान होना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कह रहे हैं हमने वीरपाल दिवस के लिए हमने किया है, लेकिन जिसने बात शुरू की उनको भी श्रेय जाएगा। बिल्कुल, ये मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या दिमाग पे मुद्दा लेकर के वोटिंग करेंगे? देखिए, शहर की तरक्की और हमारे हलके की, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने कही है कि फतेहगढ़ साहब को एक टूरिज्म बनाएंगे वो, और फतेहगढ़ साहब एक ऐसी हब जैसे अमृतसर है, वैसे ही फतेहगढ़ साहब में भी मतलब एक टूरिज्म प्लेस बने, ताजो कि फतेहगढ़ साहब की जो धरती पवित्र धरती है,
जो सबसे बड़ी शहादतों की धरती है वो दुनिया में उसका नाम हो और विदेशों से लोग आकर वहाँ पर नतमस्तक हों। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा फतेहगढ़ लोकसभा हलके से हमारे एमपी डॉक्टर अमर सिंह दोबारा से एमपी बने, जो कि एक पढ़े लिखे हैं, सूझबान हैं और इंटेलिजेंसी की तो कोई कमी नहीं है उनके पास में, और वो हमें पता है कि हमारे हकों की बात करेंगे, हमारे इलाके की चढ़ाई की बात करेंगे। बिल्कुल, आप फतेहगढ़ साहब की जो धरती की पवित्र की बात करते हो कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है इतनी पवित्र धरती पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जहाँ तक ये दुनिया है वहाँ तक ऐसी धरती नहीं है जो धरती यहाँ की है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को खास करके? सर, पढ़े लिखे इंसान हैं डॉक्टर अमर सिंह जी। पढ़े लिखे तो और भी लोग हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम करते हैं जो पीछे अभी तक आम आदमी पार्टी में तो काम कर रही है, बिजली का बिल माफ़ कर रही है सर। वो तो नशा फैला रहे हैं सर। अच्छा, वो तो नशा फैला रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो पहले आपके कांग्रेस में हुआ करते थे, लास्ट टाइम वो भी आपके ऑफिस में मुझे लगता बैठते रहे होंगे शायद। नहीं, बैठे तो रहने से ठीक है। इंचार्ज खन्ना के इंचार्ज रहे हैं पिछले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में वो खन्ना विधानसभा हल्का से हमारे इंचार्ज थे। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में नहीं, विधानसभा चुनाव में गुरुकीर सिंह कोटली जी हमारे उस टाइम विधायक थे, पहली बार भी मतलब वो इंचार्ज थे हमारे उस टाइम। तो उनको हम सोचते थे कि क्या जीपी जी मतलब एक अच्छे हैं, इंसान हैं, लेकिन सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं कि दल बदलू होगी, मतलब विचारधारा बदल दी उन्होंने। ये सही बोल रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विचारधारा उनकी बदल गई। बिल्कुल ठीक ने, क्या ठीक है? हाँ जी, क्या ठीक क्या है सर? सब कुछ ठीक ही किया है हमने। किसने? हम तो पार्टी के वफादार बंदे हैं। कौन सी पार्टी के सर? से हम कांग्रेस में ही सेवा करते आ रहे हैं। ओके ओके, हमने कभी बात तो किसी से की नहीं, पर हम मतलब पक्के कांग्रेसी हैं, वोट ही कांग्रेस को पौनी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि मैं वफादार हूँ कांग्रेस का, लेकिन मैंने कभी मीडिया के सामने नहीं बात करी। नहीं की, मीडिया के सामने पहली बार बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मीडिया के सामने आना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर 45 साल से वर्क कर रहे हो तो मीडिया के साथ आना चाहिए जी। अंकल जी, आप ये बताइए, आपका एक्सपीरियंस रहा, आप मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव तो बहुत बढ़िया है जी। सर, अमर सिंह ने जो यहाँ विकास किया है, हमारे शहर का विकास किया है, हमारे एक फोकल पॉइंट था उसका, वो 30 साल से वहाँ बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन, उनका फोकल पॉइंट था, फोकल पॉइंट में इतना बदतर हाल था, उसको इन्होंने बहुत सुंदर बना दिया। एक हमारे सरंद के पास अम्बे माजरा है, वहाँ इन्होंने पुल बनवाया, पुल के ऊपर 22 करोड़ रुपये लगाया, वहाँ ट्रैफिक जाम बहुत होता था, क्योंकि जो इनका काम कराने का तरीका है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का यहाँ नुहार बदला, गाड़ी चलवाई, यहाँ लिफ्ट लगवाया, और यहाँ मैनेजमेंट का स्कूल है, स्कूल में यहाँ 90 लाख रुपए दिया, वहाँ का काम करवाया। इन्होंने जो है इनका काम करवाने का तजर्बा है, FCA में CMD रहे दिल्ली, और उसके बाद इन्होंने जो भी है वहाँ दिल्ली में काम करवाने का इनका तरीका बहुत अच्छा है, और इनको काम कराने का नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं। जो दूसरे हैं, जो GP जी हैं, ये चार पार्टी, पहले आम आदमी पार्टी में आए, अकाली में गए, पतंग में गए, कांग्रेस से फिर यहाँ इस आम आदमी पार्टी में आ गए, इनका कोई वो नहीं है। जो दूसरा खड़ा है गिज्जाराम, ये पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के बाद अब ये इसमें आ गया, भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। ऐसे बात है, जो इनका कैंडिडेट है, कैंडिडेट का काम करवाने का तरीका है, कैंडिडेट को काम करने का पता है कि कैसे काम करना है, करवाना है, विकास करना है, यहाँ का जो विकास रह गया, यहाँ का फोकल पॉइंट हो गया, यहाँ का लाइटिंग का काम करवाया, यहाँ का सीवरेज का काम करवाया, यहाँ और भी काम थे, ट्रीटमेंट प्लांट था उसके लिए पैसा दिया उन्होंने, बहुत यहाँ विकास करवाया। मेरे साथ जो मेहरा साहब हैं, इनसे बात करते हैं, जो सिटी होम के संपादक हैं, कि फतेहगढ़ साहब एरिया में घूमे, हर चीज़ हर विधानसभा में गए हैं, और कल रैली भी इन्होंने कवर की है प्रियंका गांधी से, इनसे पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा, जो 1 तारीख को लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे और 4 तारीख को फतेहगढ़ साहब का रिजल्ट क्या आने वाला है जी। मेहरा साहब, देखिए, रिजल्ट तो लोगों ने निकालना है, लोकतंत्र है, लोगों का अपना मत है, उन्होंने अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से मत देना है। लेकिन जो हमने सर्वे किया, हमारी टीम ने सर्वे किया, मैं आपको बता दूं, आपने पूछा है, कोई मैं इतना जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन हमने जितने साल काम किया है इलेक्शन में, उस तजर्बे मीडिया में तो तकरीबन 20 ईयर, उसके तजर्बे से हम कह सकते हैं
कि अगर इनका मुकाबला जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हैं या और भी आज़ाद खड़े हैं, सबसे ज़्यादा मुकाबला हम मानते हैं जो नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी और अकाली दल के भी खड़े हैं। मेरे हिसाब से इनका मुकाबला कांग्रेस से ही है, क्योंकि वह दोनों कैंडिडेट कांग्रेस से गए हैं, जीपी के वो सारा कुछ मालूम है। एक ही इनका ड्रॉबैक है, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, क्या जीपी सिंह इनको, इनकी वोटों को सेंध लगा सकते हैं? सबसे पहला सवाल, अगर वो लगाएंगे तो इनको नुकसान हो सकता है। जो गिरिजा राम जी हैं वो भी कांग्रेसी हैं, वो भी कांग्रेसी हैं, क्या वो भी कांग्रेस की वोट निकाल के इतनी कैपेसिटी है अपना जीत सुनिश्चित कर सकते हैं? लेकिन मुझे जो एनालिसिस है, हम जो गली गली जो इनको गांव के साथ घूमे हैं, जहां से सर्वे किया है, सर्वे के हिसाब से सब लोग ये कहते हैं डॉक्टर अमर सिंह जी का मुकाबला चाहे किससे भी हो, लेकिन हमने इनके काम को देखा है, उनको काम को तो देखना बाद में है, क्योंकि जब वो जीतेंगे तब देखना ना। वो कहते जिसको हमने देखा है उसको हम वोट डालेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, लोग कहते हैं, मीडिया के सामने कह देते हैं। लेकिन एनालिसिस अगर कहें तो आज की डेट में नंबर वन पर अमर सिंह जी चल रहे हैं जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं संपादक साहब कह रहे हैं कि जो फतेहगढ़ साहब के लोग हैं वो अमर सिंह को पहली पसंद मान रहे हैं, लेकिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा 1 तारीख के जब सुबह लोग जाएंगे बूथ पर और एटीएम मशीन के पास पहुंचेंगे तो उनके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, उसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। राजेश गौतम, सिटी होम न्यूज़, खन्ना।